शारदीय नवरात्र का त्यौहार हर्षोल्लास से प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। नवरात्र में नवमी के दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। वहीं भक्त इस दिन मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा अर्चना करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में विधि विधान से कन्या पूजन किया। वहीं इस अवसर पर सीएम धामी ने नौ दुर्गा के प्रतीक नौ कन्याओं को भोजन करवाया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने निर्मल बुद्धि और अष्ट सिद्धियों की प्रदाता मां सिद्धिदात्री से प्रदेश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आज बहुत शुभ दिन है, आज रामनवमी का पर्व है और सभी कन्याओं का पूजन किया है, माँ भगवती का स्मरण किया है। माँ हम सब पर कृपा करें, भगवान की हम सब पर कृपा हो, हमारे राज्य पर कृपा हो, हर प्रकार से विघ्न बाधाएं सारे दोष दूर रहे, प्रदेश की उत्तरोत्तर प्रगति हो, गति बढ़े, उन्नति बढ़े और भगवान की हम सब पर कृपा बनी रहे, इसी के निमित्त आज यहाँ पर हवन पूजन किया गया है। मैं सभी को आज रामनवमी पर्व की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। नवरात्रों का त्यौहार हमारे बहुत एक प्रकार से मैं कहूँगा कि श्रद्धा का विषय भी है। माता के नौ अवतारों का हम स्मरण करते हैं और आज रामनवमी के दिन हमने अपनी संस्कृति के अनुसार यज्ञ किया और कन्याओं का पूजन किया। प्रदेश के अंदर सुख शांति बनी रहे, ऐश्वर्य बना रहे, इसके लिए हमने उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं का अनुसरण करते हुए हवन में आहुति दी है।